ठहर जाओ। कौन है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। कौन है? बेटा जल्दी से कचरा फेंक और निकल यहाँ से। झील में कूड़ा नहीं फेंकना आदेश है हमारा। कौन है भाई? कौन है तू? कहाँ से चिल्ला रहा है? मैं यक्ष हूँ, इस झरने का, प्रकृति का मालिक। यक्ष? यक्ष बहुत नाम सुना है तेरा। साला कोई बेवड़ा होगा पेड़ वेड़ पे चढ़ के मेरे को डरा रहा है। यक्ष टाइम पास। कहीं फेंकूंगा कचरा, कर ले तेरे से जो होता है वो। लगता है यार यहाँ तो कोई लोचा है। बेटा कूड़ा फेंक और निकल यहाँ से। यदि तुमने कचरा फेंका तो यहां से जीवित वापस नहीं जाओगे। कौन है भाई? क्या मजाक कर रहे हो यार? ए, हिम्मत तो सामने आ। कुछ भी बोलता है यक्ष। ज्यादा पी लिया तूने? अरे नहीं नहीं यार है, मैंने उसको देखा है, मेरे को वहां जाते डर लग रहा है, मेरी जाऊंगा। अरे पगले फिगर नॉट, फिगर नॉट। अपन को जिधर मन करेगा ना अपन उधर कचरा फेंकेंगे, चाहे अपन समंदर में फेंके अपन नदी में फेंके। एक 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 मिनट। अरे अरे रमा, हेलो रमा माय डार्लिंग। हराम छोड़, इतना बड़ा धोखा देता रहा मुझे। धोखा? अरे क्या क्या किया क्या मैंने? क्या किया? शादीशुदा होके भी, एक बच्चे का बाप होके तू मुझे 2 साल से झूठे दिलासे देता रहा, शादी के सपने दिखाकर मुझे नोचता रहा। अरे सुन तो, मत आना मेरे पास कभी भी, थूकता हूं मैं तुझ पर। अरे थू थू थूक मत, सुन मेरी बात सुन रमा। हेलो रमा, हेलो। चलो मैं शादीशुदा हूँ, ये बात रमा को। तूने बताया ना रमा को कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ। ले तेरी ऐसी की ऐसी साले। हाँ मैंने बताया उसको, एक तरफ तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो और दूसरी तरफ तेरे रमा को धोखा दे रहे हो। साले इधर आ, मैं अपनी बीवी को धोखा देता हूँ, मैं अपनी रमा को धोखा देता हूँ? अबे तेरी गंदी नजर तो रमा पे बहुत पहले से थी ना। उसमें गंदी नजर? प्यार करता हूँ उससे मैं। प्यार करता हूँ? मेरे पास ना बीवी है ना गर्लफ्रेंड है। तुम डबल डबल चांस ले रहे हो। डबल डबल चांस? साले बच्चू अब इसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत पछताएगा तू, अब तू देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। अरे अरे ये क्या कचरा कौन डालेगा? ये उधर उधर बेटा बच्चू तू अपना काम कर, कचरा डाल के आ। तू फिर आ गया, इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके थोड़ी देर बाद मेरा मूड ठीक हुआ सर,
तो मैं वापस गाड़ी लेकर के, फिर कंपनी ने हम दोनों को काम दिया साहब कचरा फेंकने का। साहब जब मैं वहां पहुंचा, बच्चू मैंने बच्चू को नहीं मारा है साहब, साहब उस यक्ष ने मारा है बच्चू को। जी हाँ, ये कहना है ड्राइवर लखन सिंह का, जिसे पुलिस ने उन्हीं के साथ काम कर रहे हेल्पर बच्चू की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। पर लखन सिंह का कहना है ये कत्ल उन्होंने नहीं, बागमती नदी के यक्ष ने ये हत्या की है। सर ये यक्ष क्या होता है, कभी यक्ष के बारे में सुना नहीं। महाभारत पढ़ी होती तो तुझे पता होता, युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का प्रश्नोत्तर बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रकृति के रक्षक होते हैं यक्ष। सर पर आज के दौर में यक्ष, वो भी एक मर्डर केस में, यही तो चौंका देने वाली बात है। आप सब हैरान हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये क्या रहस्य है, ये सच है या झूठ है। आइए हम आपको बागमती नदी के आसपास बसे लोगों के पास लेकर चलते हैं और सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। नहीं नहीं बिल्कुल सत्य है, यक्ष के अस्तित्व को कौन मना कर सकता है, पुराणों में लिखा है। तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, मैंने कई बार प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उस झील के तट पर यक्ष को विचरण करते हुए देखा है। जो कोई झील को दूषित करता है उसे वो रोकता है। देखिए मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, सालों से बागमती झील की सफाई का अभियान चला रहा हूँ। मेरा मानना है कि यक्ष वक्त कुछ नहीं, यह तो सिर्फ एक वहम, लेकिन जो भी हो कम से कम उनके डर से लोगों ने झील में कचरा फेंकना तो बंद कर दिया। मैं तो वहाँ रोज पानी भरने जाती हूँ, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मजाक होगा। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर गई थी पानी में कचरा फेंकने को, उसने मुझे रोका, मैं डर कर भाग गई। से क्या हो रहा है, नदी का प्रोटेक्टर यक्ष। कलयुग में जी रहे हैं हम लोग। फाटक साहब, मैं लखन की बीवी हूँ, वो पुलिस की गिरफ्त में है। ट्रक ड्राइवर लखन से, ये तो वही यक्ष वाला केस है। साहब आप मेरे पति का केस ले लीजिए, आपको आपको मेरे बच्चे की कसम, आप ये रख लीजिए। देखिए अब रुकिए रुकिए, क्या कर रही हैं, ये लीजिए अपना मंगलसूत्र, और जब तक पति जीवित है इसे किसी के सामने उतारिए। अब जाइए घर निश्चित, मैं जाकर आपके पति से मिल लूंगा। नमस्कार। याद रहे ये काम आज आधी रात को करना है, कानों कान किसी को खबर ना हो, बड़ी होशियारी से वहां वहां और वहां। अजय और सर ये बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक काम के तुझे पैसे भी मिल रहे हैं। और सर उस यक्ष का क्या, क्या वो ऐसा होने दे? अरे कोई यक्ष वक्ष नहीं है, सब बकवास है। सर सर ये क्या, तो मैं सर मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने बच्चों को नहीं मारा है साहब, उस यक्ष नहीं मारा है सर बच्चों को। साहब आपने तो टीवी पे भी देखा है सर, मैंने नहीं मारा। लखन लखन खड़े हो जाओ। देखो लखन, जब तक मैं स्वयं न देख लूं मैं विश्वास नहीं कर सकता, और तुम चिंता मत करो, अगर यह हत्या तुमने नहीं की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके पटेल जी, दो मिनट में मर्डर स्पॉट पे मैं छानबीन कर लूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करिए सर। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश की, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ठीक है? ठीक है, आप जाके आइए। थैंक यू।
ये तो खड़ों के निशान है। लखन और इसका साथी बचू जो बचा नहीं है इसके कारण, वो दोनों रॉ केमिकल कंपनी में काम करते हैं जो कि मिस्टर दास की है, और 14 दिसंबर की रात को दोनों कचरा फेंकने के लिए गए थे। जो योर ऑनर अवैध कार्य है, कानून के विरुद्ध। करेक्ट, मैं भी मानता हूँ, पाठक साहब की बात से सहमत हूँ, लेकिन ये केस कचरे का नहीं, मिस्टर दास का नहीं है यार, उसमें तो पुलिस ने अलग से केस दर्ज किया है, ये केस है लखन का। किस वजह? कोई आपसी दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी नहीं, प्यार, आपस में नहीं, एक लड़की से, रमा से, दोनों रमा से प्यार करते। अब 14 दिसंबर की रात को किसी बात को लेकर, मतलब रमा की बात को लेकर ही उनकी बहस हो गई, और लखन जो ऑलरेडी मतलब सॉलिड नशे में धुत था, आउट ऑफ कंट्रोल था, उसने बेचारे बच्चों को मारा पीटा, सॉलिड मारा। और मैं यूं ही नहीं कहता हूँ, मैं यूं ही कहता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो है ना सबूत, ये सबूत है ना, ये बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसे साबित होता है कि बच्चों के शरीर पर लखन के खरोचने के निशान और डीएनए भी पाए गए। हाँ, मैंने मारा था उसे, पर जान से नहीं मारा था। चुपचाप खड़े रहो, जब मौका मिलेगा तभी बोलना। और ऑनर, लखन ने बेचारे बच्चों के साथ क्या किया? इस पत्थर को लेकर योर ऑनर, जयसवाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी पत्थर के कारण बच्चों की मृत्यु। किंतु जयसवाल साहब गलत कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल ने इस भारी भरकम पत्थर को उठाकर बच्चों के सर पर दे मारा, ऐसा 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 कह रहे हैं। हाँ, ऐसा ही, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं योर ऑनर। इसका प्रमाण ये है कि पत्थर के निचले हिस्से पर काई लगी हुई और इस पर लहू के कोई अंश नहीं, जिसका ये अर्थ होता है कि ये पत्थर धरती के स्पर्श में ही, समझ रहे हैं आप? नहीं, नहीं, लेकिन सुन लीजिए, पूरी बात ये समझ लीजिए, पुलिस को योर ऑनर इस पत्थर के ऊपरी हिस्से से बच्चों के लहू के अंश प्राप्त हुए, जिसका ये अर्थ होता है कि पत्थर इन्होंने उठाकर बच्चों को नहीं मारा, बच्चों स्वयं इस पत्थर पर गिरा था, जिसके कारण उसके सर पर चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई योर ऑनर, जिसका ये अर्थ निकलता है कि ये एक दुर्घटना है, हत्या नहीं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इस बात को दर्शाना चाहूंगा कि अगर इतना भारी भरकम पत्थर उठाकर अगर कोई उठा पाए तो, और उठाकर किसी के सर पे दे मारे तो क्या हश्र होता है, आपकी अनुमति हो तो दर्शा। अनुमति। धन्यवाद। अब जैसा साहब, न लखन न मैं बॉडी बिल्डर तो है नहीं हम दोनों, तो आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, इसे उठाने में आइए जरा, और जरा पैर संभाल छोड़ दीजिए। योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा, इतना भारी भरकम पत्थर अगर किसी के माथे पर फेंका जाए तो उसके माथे का ये हश्र हो, किंतु आपकी मेज पर जो तस्वीरें रखी हैं बच्चों के मृत शरीर की, साफ साफ नजर आ रहा है कि उसके सर पर छोटा सा ही घाव लगा था, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि पत्थर उसके सर पर नहीं मारा गया, वो इस पत्थर पर गिरा। मान गया कि ये एक हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंट है, लेकिन एक्सीडेंट भी हुआ किसके कारण? लखन के कारण योर ऑनर, उसी ने धक्का मारा होगा। मैंने उसे नहीं मारा, उसे तो इसलिए, मैं तो वहां था भी नहीं। तो कहां थे तू? मैं किसी से मिलने गया था। किससे? रमा से मिलने गया, बागमती झील के किनारे उसकी एक खोली है, मैं उसे मनाने गया था साहब, बहुत लंबी चौड़ी हमारी बात हुई, आप चाहे तो रमा से पूछ लीजिए। ये एक नंबर का धोखेबाज है जैसा, इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ऑर्डर ऑर्डर। और अब सफेद झूठ बोलता है, उस रात ये मेरे घर पर आया ही नहीं था। नहीं जज साहब, रमा झूठ बोल रही है। ए रमा, मैं तुझसे मिलने नहीं आया था, तेरी मेरी 10 मिनट तक बात हुई थी, अरे तूने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरे भूत ने थप्पड़ मारा होगा तुझे, मैं तो उस रात घर पर थी ही नहीं, मैं तो उस रात भाई के घर पर गई थी,
इतना बड़ा ताला लटका था, दिखाई नहीं पड़ा तुझे? लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है योर ऑनर, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चू की हत्या उसका खून 12 बजे के करीब हुआ। लखन का कहना है कि 12 बजे के करीब वो रमा के घर पे था, रमा का कहना है कि वो वहां पे था ही नहीं। इसका मतलब कि लखन झूठ बोल रहा है, सच ये है कि लखन वहां पे था बच्चू के साथ, उसने बच्चू को मारा है, साबित हो गया केस। और केस तो अभी शुरू होगा जैसा। रमा जी, देख रहा हूँ आपने बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं, आभूषणों का बहुत शौक है आपको, इस कड़े को तो आप पहचानती ही होंगी ना? नहीं। ये क्या है मिस्टर बाटल? योर ऑनर, ये कड़ा है और ये कड़ा पुलिस को बच्चू के मृत शरीर के पास से प्राप्त हुआ। मुझे इस बात का कोई संदेह नहीं कि ये कड़ा उसी व्यक्ति का है जिसने बच्चू को धक्का मारा था, जिसके कारण बच्चू उस पत्थर पर जा। मुझे भी कोई संदेह नहीं है कि ये कड़ा उसी व्यक्ति का है और वो व्यक्ति लखन है। जयसवाल साहब, ये किसी स्त्री का कड़ा है और वैसे भी ये सोने से बना हुआ बहुत महंगा कड़ा है, और मेरे मोहकिल लखन की आमदनी इतनी नहीं कि वो 5 वर्षों में भी ऐसा कड़ा बना। और ये कड़ा यक्ष का है। लखन, बच्चू ने बताया था मुझे कि यक्ष ऐसे ही कड़े पहनता है। मैंने कहा था ना, बच्चू को यक्ष नहीं मारा है। ये प्लीज, ये यक्ष वाला चैप्टर बंद करो, ये वापस शुरू मत करो। ये मत बोलना कि यक्ष झील के किनारे था बच्चू को। योर ऑनर, ये फाटक सर जी, डोंट टेल मी आप भी यक्ष वाली बात पे यकीन करते हैं। नो योर ऑनर, अब यक्ष का तो पता नहीं, लेकिन मेरा सहायक वरुण वहां गया था, आपकी अनुमति हो तो मैं वरुण को बुलाऊं। अनुमति? वरुण, अदालत को बताइए कि क्या देखा आपने वहां पर। योर ऑनर, खड़ाऊ के निशान मैंने जमीन पर देखे थे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बाय द वे व्हाट इज खड़ाऊ? योर ऑनर, खड़ाऊ इस प्रकार के चप्पल होते हैं जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे। तो मतलब समझ गया मैं, वो तो याद आ रहा है मैंने कहीं देखा था, लेकिन आपका ये कहना है कि ये जो खड़ाऊ वो यक्ष पहनता था और आपको मिल भी गए, मतलब वरुण को मिल गए? नहीं जयसवाल साहब, ये यक्ष है, खड़ाऊ नहीं। तो योर ऑनर, ये उसी नाप के खड़ाऊ हमने बनवाए हैं जिस नाप के खड़ाऊ के निशान हमें वहां मिले थे। योर ऑनर, एक और बात, खड़ाऊ के निशान जमीन से होते हुए पेड़ पर थे, जैसे कि कोई आदमी पेड़ पर चलकर गया था, तो मैंने छोटे छोटे कील के सुराग देखे निशान। तो ये जयसवाल साहब, कि आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं कि यक्ष जैसा कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन प्रचलित कथाओं के अनुसार यक्ष पेड़ पर चढ़कर बोलता है, लाल लाल आंखों से लोगों को डराता है, तो स्पष्ट है कि ये सब कार्य किसी यंत्र द्वारा किया गया था, जो यंत्र पेड़ पर लगाया गया था, और उस यंत्र को पेड़ पर लगाने के लिए कीलों की सहायता ली गई थी जो मेरे सहायक को उस पेड़ पर मिले। आई बात समझ में? नहीं सर, वो यक्ष था, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। अब चाहो तो बस्ती वालों में से किसी से भी उठा करके पूछ लो। अभिषेक, तुम तो पढ़े लिखे समाज सेवक हो, तुम्हें क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से वहम, या फिर रॉ केमिकल कंपनी की कोई चाल, ताकि लोग उस झील से दूर रहें। तो इसमें रॉ केमिकल कंपनी का क्या लाभ? ताकि वो बड़े आराम से अपना जहरीला केमिकल वेस्ट उस झील में फेंक सके। और आपको पता है, पिछले 3 सालों से उसने उस झील को जहर। एक मिनट, एक 3 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं और कितना जहर फैला रहे हैं, ये केस उसका है नहीं। योर ऑनर, ये केस मिस्टर दास के अगेंस्ट नहीं है कि वो नदी में गंदगी फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिविल केस, दिस इज अ क्रिमिनल केस, मर्डर केस, समझे आप? यक्ष को देखा था? हाँ या ना? देखा था या नहीं? लेकिन सर ये लोग नहीं देखा था ना, तो फिलहाल मैं भी आपको यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ, आप जा सकते। थैंक यू। योर ऑनर, मैं मंदिर के पुजारी पंडित रविराज जी को खटघर में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत। श्रीमान जी, मैंने उस यक्ष को देखा है 2-4 बार, ए बड़ा मुकुट और ये आभूषण उसी के हैं। लखन सच बोल रहा है, उस नदी पर उस यक्ष का प्रकोप है। अरे पंडित जी, आप पादुका पहनते हैं, जरा दिखाइए, तो जरा निकालिए। खड़ा हूं, दिखाइए दिखाइए।
हूबहु वही नाप योर ऑनर, जिस नाप के निशान हमें वहां घटनास्थल पर और पेड़ पर चढ़ते हुए प्राप्त हुए थे। कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी कि आप ही वो यक्ष हैं? हम क्यों, हमको क्या पड़ी है? श्रीमान जी ये क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हैं? मिस्टर पाठक, अदालत में यक्ष का कोई बहाना नहीं चलेगा। योर ऑनर, असली यक्ष का बहाना ना सही किंतु नकली यक्ष का, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उस नदी किनारे कोई मनुष्य ही है जो यक्ष बन के सबको भयभीत कर रहा है। उसी के ये आभूषण भी, उसी ने बच्चों को मारा है और उसी को अखन ने वहां से जाते हुए देखा था। आई डोंट थिंक आपके पास सबूत है इस बात का, अभी अभी जो आपने कहा, नहीं है ना, होगा भी नहीं। लेकिन सर मेरे पास है, सबूत भी है और गवाह भी है, और उसके लिए मैं लखन की पत्नी लाडो को कटघरे में यहाँ बुलाना चाहता हूँ। लाडो जी, आपको क्या लगता है, आपके पति निर्दोष? जी। कोई मजबूरी है आपकी, डर है आपको? देखिए, आप रो रही हैं और मैं आपके आंसू पहुंच नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रुमाल नहीं है। खैर, आप सच बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं। आपके पति शादीशुदा हैं, आपके साथ शादी करने के बावजूद रमा के साथ गुलछरे उड़ा रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि निर्दोष है, क्यों क्यों बजा रही हैं? खैर चलिए, इस बात का जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा ये आपने जो हाथ ढक के रखा है जरा हटाइए, दिखाइए। देखिए जज साहब के सामने, योर ऑनर, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। अरे कैसे जल गया ये, और ये जो चोट के निशान हैं आपके, इस उसको भी छुपाने की कोशिश कर रही हैं आप, यहाँ पर भी चोट के निशान है, ये सब क्या है? मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे लाडो जी, डरिए मत, बोलिए। वो लखन ने मारा ना आपको? वो शराब के नशे में। ऑर्डर ऑर्डर। लखन, इंसान हो तुम या हैवान, इस तरह से कोई मारता अपनी पत्नी को, इस तरह से जलाता है? देखा योर ऑनर, मतलब जो इंसान अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मार सकता है, गरम गरम तले से जला सकता है, वो तीसरे किसी की हत्या क्यों नहीं कर सकता? इसने अपनी पत्नी को यूं टॉर्चर किया है, सारी धाराएं लगा दीजिए, सजा दीजिए इसे योर ऑनर। साहब साहब, मैंने लाडू पे हाथ उठाया है साहब, पर मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, आज के बाद कभी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा उस पे। क्या उसके लिए मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, पर मैंने बच्चू को नहीं मारा है साहब, मैंने बच्चू को नहीं मारा है। अरे सर को सब सजा देनी चाहिए योर ऑनर, इस पे सारी धाराएं लगा दीजिए योर ऑनर, ऐसी कड़ी सजा दीजिए, इस तरह फांसी पे लटकाइए कि इसकी गर्दन टूट जाए, तब तक लटका के रखिए, ये हैवान है। अरे मैंने बच्चू को नहीं मारा है, आपको समझ में नहीं आ रही बात? तूने मारा है बच्चू को, ये बच्चू का खूनी है, इसको मार दो। ये क्या चल रहा है? अरे आप छोड़िए मुझे। अरे आप क्या छोड़िए, आप उसको थप्पड़ मारिए अपने वकील को, और योर ऑनर आप फांसी लगा दीजिए, यहीं पे फांसी मंगवा रहे, लटका दीजिए इसको। अरे वकील पे हाथ उठाता है, मैं मर जाता, मेरी पत्नी विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, आपका क्या होता मेरे बगैर? अभी के अभी ऑन द स्पॉट फांसी। क्या हो रहा है? अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। तो लाखन इतना बड़ा जलाल अपनी वाइफ को मारता है? केडी सब, कहीं हमने उसका केस लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? इतने बड़े इल्जाम से बचना उसके लिए मुश्किल है, और अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी उसके साथ जुड़ गया। हाँ, वो जो होगा वो होगा, पर वो बाद में देखेंगे, इस समय तो मर्डर केस चल रहा है। सबसे अहम हमारे लिए ये जानना है कि ये जो
यक्ष की भूमिका निभा रहा है वो अभिनेता कौन है? चलो पंडित जी, हमारे के लिए काफी है, कुछ और दूं? यजमान, इतने पैसों में तो मैं ऐसा होन करूंगा कि यक्ष तो क्या उस नदी के इर्द गिर्द यमराज भी नहीं भटकेगा। यजमान, आपने उस यक्ष को कभी देखा है? पहले तो हमें भी यकीन नहीं था, लेकिन उस रात उसे वहां देखकर, खैर वो यक्ष का इलाज आप करो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। कैसा काम यजमान? उतना सोचना आपका काम नहीं, आप जाओ यहां से और हवन की तैयारी शुरू करो। जी। पांडे। जी सर। यह है फैक्ट्री के कूड़ा घर की चाबी, ये काम आज रात हो जाना चाहिए। सर, लाखन के केस के बाद पुलिस और कानून आप पर। वो सब सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम सिर्फ इतना करो जितना तुमसे कहा जा रहा है। पर सर, अभिषेक दिगे का क्या? देखा नहीं उस दिन कोर्ट में हमारे खिलाफ क्या बोल रहा? इस बार अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मेरे लिए किसी का मुंह बंद करवाना कोई बड़ी बात नहीं है पांडे, तुम अच्छी तरह जानते हो। बस तुम टक रेडी रखो, आज रात मेरे लिए ये काम होना बहुत जरूरी है। लखन के बच्चे, अब होश आए तेरे ठिकाने, मुझे धोखा देने चला था, अब सड़ जेल में उम्र भर। साहब, यहाँ तो लोग कहते हैं कि नदी में कुछ भी गलत डालोगे तो यक्ष आग के गोले बरसाएगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो आग के गोले दास साहब तुम पर बरसाएंगे, इसलिए चुपचाप वो करो जो कहा है, समझे? ठीक है साहब, करता हूँ। बैग्स में क्या है? रासायनिक कचरा जो बहुत ही हानिकारक है, और उसी रॉ केमिकल फैक्ट्री से। वरुण, वो दास तो गया सीधा जेल में। और ये जले के निशान और ट्रक पर आग, इस ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया है, उसका कहना है कि यक्ष ने उस पर आसमान से आग के गोले बरसाए उसे रोकने के लिए। फिर से यक्ष?
वरुण अपना यक्ष तो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक है। तब ये कोयला, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, उसके भीतर कांच के टुकड़े, ये कोई अग्निवर्षा नहीं है मेरे दोस्त, बारूद का गोला है। सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, कोयला, ये किसी ने बम बनाया है किसी कारखाने में। ये जो भी किया हमारे यक्ष महोदय ने अच्छा ही किया, भला किया। अब तो उन्हें सामने आना होगा अपने इस भले काम का श्रेय लेने के लिए। यक्ष आज तक किसी के हाथ नहीं आया। आज रात को मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे पकड़ में यक्ष जी आएंगे, क्योंकि सुना है कि वहां पर वो किसी को गंदगी फैलाने नहीं देते। समझ रहे हैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? रुको, कौन? इससे पहले कि इसे प्रदूषित करो, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। महाराज, महाराज मैं आपका दोषी हूं, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। जा, एक मौका देता हूं, इस बार माफ करता हूं, भाग। नहीं महाराज, मैंने घोर पाप किया, मुझे दंड दीजिए, भस्म कर दीजिए मुझे। दूर रह, चला जा। नहीं गया तो? महाराज, और कितना दौड़ेंगे? पंडित जी आप? तो यक्ष जी आप, क्षमा चाहता हूँ पंडित जी, आप क्यों यक्ष बनकर घूम रहे हैं? श्रीमान जी, मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी दुकान चला रहा था, जब लोगों ने नदी के किनारे उस यक्ष को देखा और मेरे पास टोना टोटका के लिए आने लगे, तो मैंने भी सोचा कि चलो मेरी भी कुछ रोजी रोटी अब चलेगी। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद यक्ष बन के लोगों को डराऊं, तो टोना टोटका के बजाय मुझे हवन पूजा के लिए अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं और लोगों को मैं हजारों में लूट सकूंगा। इसीलिए मैंने कई लोगों के साथ ऐसा किया। ठीक है, ठीक है, समझ गए हम। लेकिन बेचारे बच्चों को आपने फिर क्यों ऐसा? नहीं श्रीमान जी, बच्चों को मैंने नहीं मारा था। उस रात को मैं अपने घर पर सोया हुआ था। यक्ष वाला कांड तो मैंने बाद में शुरू किया, तब जब मुझे उसके वस्त्र मिल गए। मिले? मिले मतलब? सच बताती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उस सुबह जब मैं घर पर लौटी तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में किसी ने वो पोटली फेंक दी थी, और खोला तो मैं घबरा गई थी। जैसा आप, मैं समझ गई थी कि मुझे कोई ना कोई फंसा रहा है, इसीलिए मैंने पोटली को जाकर जल्दी से नदी के किनारे फेंक दी। तुम्हारी इस बात पर विश्वास कैसे कर ले हम रमा? ऐसा भी तो हो सकता है लखन जो है उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी। हो सकता है प्रतिशोध लेने के लिए उस रात वहाँ घटनास्थल पर गई हो और कुछ ना पाकर तुमने बच्चों की हत्या कर दी हो। नहीं, मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ, मैं उस रात घर पर ही थी। मैं तो उस रात घर पर थी नहीं, मैं तो उस रात भाई के घर पर गई। साइलेंस इन द कोर्ट। लखन मिलने आया था तुमसे घर, तब लखन सच बोल रहा था। लखन मुझसे मिलने भी आया था, हमारी बहस भी हुई थी, और उसे बच्चों को नहीं मारा। ए, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, क्या प्रॉब्लम है? ए, तुम कभी ये बोलती हो, कभी ये बोलती हो, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? एक बात बोलो। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो बस लखन से बदला लेना चाहती थी, और वो पोटली वाली बात भी सच है। ये देखिए,
जायसवाल साहब, ये तो हूबहू वैसा ही कड़ा है जो हमें घटनास्थल से प्राप्त हुआ था। योर ऑनर, मुझे लगता है कि ये उसी जोड़े का दूसरा कड़ा है। यार, ये कड़ा ना जाने किस कड़ी का हिस्सा है। कड़ी की वजह से सारे प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा सकते हैं? जायसवाल साहब, जब लोग जोड़े में कुछ बनवाते हैं तो अक्सर उस पर अपना नाम भी लिखवाते हैं, किंतु योर ऑनर, जो कड़ा घटनास्थल से प्राप्त हुआ था उस पर कोई नाम नहीं था, इस पर संभवतः चश्मे नहीं थे। मुझे दीजिए, मुझे भी चश्मे है ही नहीं। ये लिखा है निर्मला दिघे। निर्मला दिघे, दिघे तो अभिषेक जी का उपनाम है। क्यों अभिषेक जी, मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? अटक गया। अब देखिए क्या है अभिषेक जी, कि दिघे तो आप ही का उपनाम है और निर्मला दिघे तो आपकी माता जी है। अब ये आभूषण उनके थे तो स्पष्ट है कि उनके पास से ये आपके पास आए होंगे। ये आभूषण आपके पास आए होंगे तो स्पष्ट है कि ये जो यक्ष के वस्त्र इत्यादि हैं, मुकुट इत्यादि, ये भी आपके पास आए होंगे। अर्थात ये सब सामग्री आप ही के पास थी, आप ही यक्ष बने होंगे, आप ही ने यक्ष बनते बेचारे बच्चे को। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं योर ऑनर इस स्तर पर आपको बताना चाहूँगा कि इस मुकुट की जाँच से दो बाल पाए गए, एक सफ़ेद जो स्पष्ट है कि पंडित जी का है और एक काला। तो मुझे पूरा विश्वास है कि काला बाल जो है वो आप ही का है। नहीं नहीं नहीं, अब इसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। वो बाल हम लोग डीएनए में भेजेंगे जांच के लिए, जिससे ये पूरी तरह से प्रमाणित हो जाएगा कि बाल आप ही का है, वहीं आप फंस गए। उसके बाद हम वस्त्र भी भेजेंगे, वस्त्र पर भी आपका कहीं ना कहीं डीएनए प्राप्त होगा, उससे भी प्रमाणित हो जाएगा कि वस्त्र आप ही ने पहने थे, वस्त्र पहनकर आप ही यक्ष बने थे। अब ये सब कार्य में संभव है कि सप्ताह भर लग जाए, महीना भर लग जाए, एक वर्ष तक लग जाए, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप कारागार में रहेंगे बंदी बनकर, और जब तक आप बंदी बनकर रहेंगे दवे साहब आपको सत्य बोल पट्टे से सत्य बुलवाने का प्रयास करते रहेंगे, कष्ट होगा आपको। इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो क्या हम ये जो समय है ये नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं, जांच होगी तो एक ही नाम सामने आएगा, मेरा, भागमती झील का यक्ष मैं ही। बचपन से एक ही चीज सुनता आया, मुझे बचपन से सिखाया गया है कि यह प्रकृति हमारी माँ है, इसका सम्मान करना, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सबका अंत निश्चित। इसलिए भागमती झील की सफाई को मैंने अपने जीवन का मकसद बनाया। पिछले 8 सालों से लोगों को उस झील में गंदगी करने से रोकता आ रहा था मैं। रॉ केमिकल कंपनी के खिलाफ मैंने केस दर्ज करवाया, लेकिन कुछ नहीं हो, कोई फायदा नहीं। मैं जहां भी गया सब जगह भ्रष्टाचार, लालच, झील मर रही थी और मैं झील को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोचा कि जब विश्वास से काम ना हो तो इस अंधविश्वासी देश में अंधविश्वासी, उसी का सहारा लिया। मैंने यक्ष के बारे में पढ़ा, प्रकृति का रक्षक, तो मैंने उसका वेश बनाकर लोगों को डराना शुरू कर दिया ताकि इस झील को गंदगी से बचा सको। मैंने कई पेड़ों पर लाल लाइट लगाई थी ताकि यक्ष की कहानी सच लगे। ये सब ठीक है, उस रात हुआ क्या था, विस्तार में बताइए। उस रात बच्चों को मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद हमारी हाथापाई हुई, गलती से लगे मेरे धक्के से वो पत्थर से जा टकरा और उसकी, मैं बहुत डर गया था। मैं उसके बाद घर गया और इस यक्ष के खेल को वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने अदालत में आपको रमा पर शक करते हुए देखा, तो उसके बाद मैंने
यक्ष का चोगा उसके घर पर छोड़ दी, गलती से ही सही, लेकिन मुझसे बच्चू की हत्या हो गई। लेकिन इस देश में हर रोज जो हम हत्याएं कर रहे हैं उसका क्या? इस प्रकृति की हत्या, क्या उसके लिए कोई सजा नहीं होगी? अभिषेक, तुम्हारी मंशा तो अच्छी थी, उस झील को स्वच्छ रखने की, इस देश को स्वच्छ रखने की, लेकिन जो तरीका तुमने अपनाया वो गलत था। यक्ष बनने की प्रतिक्रिया वो गलत थी। अगर तुम कोई सत्य अभियान चलाते तो संभवतः सफल भी होते। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। नेक मकसद के लिए ही सही, पर अभिषेक दिघे की वजह से बच्चू की मौत हुई है, लिहाजा ये अदालत अभिषेक दिघे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और लाखन सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। पांडे साहब, अरे क्या है जयसवाल साहब, ये कॉस्ट्यूम से मुझे याद आया अक्ष के, मैं जब छोटा था ना तब स्कूल में ऐसा कृष्ण भगवान बनता था मुकुट पहन के, बहुत स्मार्ट लगता था। जयसवाल साहब, किसी और को मत कहिएगा, तो लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। कृष्ण भगवान बने थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।